अच्छा एक स्लोगन बहुत वायरल हो रहा है, मयंक यादव इन T20 वर्ल्ड कप, तो आपका क्या ख्याल है कि उनकी सिलेक्शन हो पाएगी या नहीं? अच्छा चलो, वैसे बहरहाल तुम्हारे साथ भी शो कर रहे हैं हम इत्तेफाक से 2-3 दिन से। मैं पहले दिन ही ये बोल चुका हूँ कि इसको बॉल करानी आती है, एक सरप्राइज आप रख सकते हैं, 4-5 सरप्राइजेस नहीं होते वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, 15 के ओरिजिनल स्क्वाड में एक सरप्राइज लेके जाया जा सकता है। सिराज की करंट फॉर्म, अर्जदीप की भी करंट फॉर्म, बहुत से लोगों की T20 क्रिकेट में जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट है, वनरेबल है फॉर्म, यानी बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। वेस्ट इंडीज ऐसी जगह है कि वहाँ चलाक बॉलिंग की ज़रूरत है। मैं पेस से ज़्यादा जो इसका ब्रेन वर्क करता है ना इस बॉलर, उसका कायल हो गया। दुनिया तो TRP के लिए सिर्फ पेस पेस बता रही है, बट असल बात यह है कि वो जो कैमरन ग्रीन का सवाल कर रही हो बार बार, क्यों कर रही हैं आप, पता है आपको? क्योंकि वो बॉल थी इस लायक, वो एक्यूरेट लेंथ T20 क्रिकेट में जी, तो बॉल दिमाग से करता है। मैं तो सबसे पहले कहा हम लोगों ने कि उसको वर्ल्ड T20 में आप सरप्राइज वेपन यूज कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि बहुत मैसिव फर्क आएगा उसके होने? यार बिल्कुल आएगा, एक बॉलर जो 4 ओवर की क्रिकेट में एटलीस्ट 20 ओवर के मैच में 4 ओवर करवाता है एक बॉलर ना, उसमें तो वो उसमें अगर 157 की गेंदे करा सकता है, 155 की करा सकता है, फिर एवरेज स्पीड ओवर 145 मेंटेन कर सकता है, तो वाई नॉट, ब्लेसिंग है यार, किसी भी नेशन के लिए ब्लेसिंग है ऐसा बॉलर, सही है। अब आप ये ना कह दिएगा KRK को भेज दें उसकी जगह, अगर कोई मस्खरेगिरी का मुकाबला हुआ तो KRK जा सकता है। आपने तो उसका पीछा ही पकड़ लिया अब तो भाई, है कौन? मैं तो सोच मेरे ध्यान से नहीं निकल रहा, मतलब हर गली का बंदा वो चक्का आके कमेंट कर देगा विराट कोहली इसको ढूंढ के इसके पीछे। आप इस बात से तो बाहर निकले कि हमें क्या, आप पहले ये समझे विराट कोहली क्रिकेट में क्या है इस वक्त, अबू लिविंग लेजेंड, पापा ऑफ ऑल। सही बोला था मैंने, अबू सही बोला था। अरे मैं बताऊं, ये जो तुमने अभी पूछा ना, इसका क्या नाम है, मयंक यादव का सेंसेशन है, ठीक है, मेरा थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको जरा पीछे से बताऊंगा। देखें, जब जब इंडिया ने सरप्राइज वेपन रखा अपने, टीम नीचे लग गई। 2019 वर्ल्ड कप में विजय शंकर को ले गए अंबादी राइडू के ऊपर, ठीक है, फिर 2021 में ये वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री बना के ले गए, 2022 में इन्होंने राहुल चाहर को इन कर लिया, ठीक है, तो जहां जहां इन्होंने अपनी मिस्ट्री यूज करी है वहां वहां इनको धोखा मिला है, ठीक है। अब ये क्योंकि एक डिफरेंट है, ये मिस्ट्री नहीं है, ये एक जेन्युइन है, ठीक है। अब ये आप नहीं देख रहे हैं कि क्या ये आपके जो जहनी तौर पे इनके 15 खिलाड़ी हैं उस पूल में ये फिट होता है या नहीं होता। अच्छा, अब अगर आप उनके 15 खिलाड़ी देखते हैं तो उसमें इसकी जगह नहीं बन रही, क्योंकि आपने खेलने हैं मैचेस किधर जाके, वेस्ट इंडीज के अंदर, तो वहां पर आपको जो बॉलर चाहिए होंगे वो इस पेस के नहीं, एवरेज बॉलर जो अंदर बाहर बॉल निकालते हैं, वो भी करता है, ठीक है, सिर्फ तेज नहीं करता। मगर इस पर इन्वेस्ट करके सारी तवज्जो इस पर दिलाकर अगर आपको नतीजे ना मिले तो इसका करियर जरा मुश्किल में आ जाएगा। तो इसको हो सकता है कि आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रखें, क्योंकि इसको बड़े फॉर्मेट में इंडिया पहले उतारेगा, छोटे फॉर्मेट में जाया नहीं करेंगे।